नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। जिला रूपनगर के तहत पड़ते कीरतपुर साहिब के दीपक टंडन आत्महत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा और पारिवारिक सदस्यों ने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 29 अप्रैल 2 बजे तक कथित आरोपियों को गिरफ्तार ना किया गया तो नंगल चंडीगढ़ मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा और तब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती। आज परिवार के सदस्यों ने कीरतपुर साहिब के दुकान पर जाकर उनके संघर्ष को समर्थन देने के लिए कल बाजार बंद रखने की अपील भी की। क्या कहा मृतक दीपक टंडन के पारिवारिक सदस्यों ने, पहले जय सुने। आज बाजार फिर तनु बंद कर, कारण यही है कि उन्होंने अरेस्ट नहीं कर रही पुलिस, जबकि मुंडे की डेड बॉडी भी मिल चुकी है। हुण तां पहले सानू पुलिस कह रही थी अजे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हूँ सारा कुछ हो गया सामने, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हूँ भी SHO साहब ने अभी फोन किया कि वो घर बैठे हैं, उन्होंने अरेस्ट करो, वो फिर भी अरेस्ट नहीं कर रहे। क्या कसूर आए थे पुलिस प्रशासन ने? जब तुम दावा पुलिस ने की कहा? पुलिस सानू हर बार यही कहती है कि साढ़े से भरोसा रखो, असी काम कर रहे हैं, साढ़े से भरोसा रखो, असी काम कर रहे हैं, पर यह जहाँ कुछ होया ही नहीं। कल सानू FIR दर्ज कराने लिए सड़क जाम करने तक करना पिया। तो हूँ संस्कार, संस्कार तद ही होएगा जब तिने अरेस्ट हो गए। देखो तुसी देखिया जिवें 7 दिन बाद साडे भरा दी जिहड़ी डेड बॉडी सानू कल नहर चो मिली, ते सानू जिहड़ी डेड बॉडी दा सवेरे पता लग गया सीगा 9-10 बजे भी वो उत्थे मिल गया सानू। ते तुसी ये देखो भी 10 बजे तो लैके 8-8:30 बजे तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई परचा नहीं कटिया। सानू परचा कटाने लई, केस दर्ज कराने लई सड़क जाम करनी पई, लोगों नाल लैके सड़क पर बहना पिया। तो तुम ये देखो उस तो बाद फिर एक हफ्ते तो सानू पुलिस कहती थी कि बीच परचा होगा, मैं जैसे चक लियाँगा मैं अरैसट कर लूँगा। हूँ परचा भी हो गया, हूँ फिर 24 घंटे होने वाले है, इन्हों तो बंदे अरैसट नहीं हुए। हूँ यह साडा सबर की बन जो किराया कर दे, असी हूँ लोगों के सहयोग वास्ते बाजार च आए हैं भी साढ़े नाल चलो, सारा बाजार साढ़े नाल है, सारा शहर साढ़े नाल, साढ़े नाल इलाका पूरा है, सारे साढ़े नाल है। असी सिर्फ लोगों तो सहयोग मंगन आए थे, लोगों ने सानू पूरा हाँ पक्की हुंगारा दिता, तो सारे साढ़े नाल है। तुसी देखो सवेरे सारा बाजार भी बंद होना, जे सानू दोबारा इन्हां दी अरैसट ना हुई तो सानू दोबारा जे जाम लाना पिया तो असी जाम भी ला देना। जदों तक दोषियों नूं पंजाब पुलिस अरैसट नहीं करती, उन्हां नूं जेल नहीं भेजती, उदों तक ना असी पोस्टमार्टम कराना, ना असी संस्कार करना, ये सारा कुछ उतों बाद ही शुरू होना। पुलिस नूं सब तों पहलां इन्हां ने सानूं कहा सी भी जदों जिहड़ा कोई भी पता लग जाए कि उहदी डैथ हो चुकी है जां मिल जांदा है, जेकर डैथ हो जांदी है रब ना करे कि तां असी जिहड़ा उहदी अरैसट पावांगे, बंदे दी उसे टाइम परचा करांगे। पर दुख की गल यह है, इन्ना सब कुछ होने के बावजूद भी सानू रोड जाम करके जिहड़ा परचा कराना पिया कि सरकार का इन्ना जोर सी कि परचा भी नहीं सी हो रहा, तो 24 घंटे उसकी डेड बॉडी मिले नू हो गए ने साडे भरा दी अज्ज, पर किसी भी दोषी की जिहड़ी हुण तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही। सो सारे शहर वासियों ने, जिन्हें इलाके के होर जिन्हें साडे दोस्त ने, उन्होंने एक बेकसूर नू इंसाफ दवाने लई जिहड़ा असीं कल बाजार बंद करावांगे, जे ना 24 घंटे के जी बॉडी गिरफ्तारी की गई दोषियों की तो कल असी फिर मजबूरन जो 2 बजे कल असी रोड जाम करा। उधर जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु थाना प्रभारी कीरतपुर साहिब सब इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मृतक दीपक टंडन के परिजनों के बयानों के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के प्रयास तेज किए गए हैं। क्या कहा थाना प्रभारी कीरतपुर साहिब गुरविंदर सिंह ने, आप भी सुने। जी ये 20-21 तारीख की दरमियानी रात में एक लड़का सीगा दीपक टंडन, ये अपना जलंधर तो आया सीगा, तो इहदा जिहड़ा सीगा कोई 3 व्यक्ति सीगे, उन्हां नाल कोई 1000 रुपये पिछे इहदा थोड़ा कोई मतभेद हो गया सीगा, तो उस तो बाद दा जिहड़ा हैगा सी ये मिसिंग चलदा सीगा। तो फिर उन्हां दी जिहड़ी सिस्टर सीगे उन्हां दे दरखास्त उपर जिहड़ा हैगा सी गुमशुदगी दी डीडीआ दर्ज कीती सी, जो कि दीपक टंडन का व्यक्ति है। अज उहदी जिहड़ा हैगा कि सानू जिहड़ी डेड बॉडी है BBMB नहर सरहंद कोलों सानू मिल गई है जी, तो उहदे जिहड़े चाचा जी हैगे आ विपन कुमार टंडन, उन्हां दे बयानां दे आधार ते जिहड़ा सी कि 3 व्यक्तियों के खिलाफ 306 और 34 IPC दा जिहड़ा हैगा मुकदमा दर्ज किया जी। सर इहदे च गिरफ्तारी भी किसे दी हुई है जी? हाली जिहड़ा हैगा कि हाली बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज ते असीं हैगे आ, जिहड़ा दोषियों दा जिहड़ी हैगी रीडां कीती जा रहीआं और बहुत ही जल्द जिहड़ा हैगा दोषियों नूं गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को दीपक टंडन आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जलंधर में हुई
पार्टी की रैली में शामिल होने गया था, लेकिन वापस आते समय किसी बात को लेकर कहा सुनी होने के उपरांत उसने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया था। और आत्महत्या करने से पहले वार्ड के पार्षद हिमांशु टंडन और शिवसेना नेता गुरप्रीत सिंह लाडी सहित तीन लोगों को आत्महत्या करने का मैसेज भी उनके मोबाइल फोन पर सेंड किया था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कथित आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है और परिवार का गुस्सा कब शांत होता है। सिटी हलचल के लिए कीरतपुर साहिब से ब्यूरो रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला ऊना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।